मेरे को इस टाइम इस दरबार की 12वीं पीढ़ी है जी मैं महंती की गद्दी मिली है। तो उस रिकॉर्डिंग अगर आप चलीए तो मेरे हिसाब से 500-600 साल पुराना मंदिर है जिते कि राम जी की जी मूर्ति है सांवले कलर च है और हनुमान जी तो स्वयंभू है। जिहड़ी भी जड़ के उत्ते कीड़ा लग्या हुंदा उसकी जड़ उरे आके वह किल अपना ठकवा लवे तो उसकी जड़ बिल्कुल ठीक हो जाती है। किन्ने टाइम तो तुसी ठीक कर रहे हो? भी पुराने बुजुर्गों तो चलता आ रहा जी 42 एज तो मेरी होगी और उस तो पहला तो मेरे दादा जी उस तो पहला तो चलता आ रहा जी पुराने बुजुर्गों की देन। मेरे हिसाब से लुधियाना नहीं पूरा पंजाब नहीं पूरा इंडिया कितने भी हनुमान जी ने सिंगरफ नहीं चढ़ती होगी। सिर्फ एक ऐसी दीवार है जिते हनुमान जी ने सिंगरफ चढ़ती है। 6 अप्रैल में जन्म उत्सव है। मैं सारे लुधियाने वासियों भी बाबा जी के जन्म उत्सव से आके बाबा जी के दर्शन करो और अपनी मनोकामना पूरा करो। सत श्री अकाल द सिटी एयरलाइंस देख रहे हो तुसीं मैं तुहाड़ा दोस्त गगन समा। दोस्तों इस टाइम असीं ठाकुर द्वार नौहरिया मंदिर के मौजूद हैं। दसया जाता है कि हनुमान जी का यह सब तो पुराना मंदिर है लुधियाना दे विच। सो इस टाइम लुधियाना दे विच खड़े हैं। हनुमान जी का सब तो जिहड़ा पुराना मंदिर है ये दस्या जाता है कि सब तो पुराना मंदिर आप कह दईए वो यही है। आओ अंदर लेके चलते हैं मंदिर दी तस्वीरां जिहड़ियां ने तुहाडे नाल सांझियां करते हैं। सो इस मंदिर के महंत जी मेरे नाल मौजूद ने गलबात उन्हां नाल करांगे। महंत जी नमस्ते जी। महंत जी ये जिहड़ा मंदिर है हनुमान जी का किन्ना क पुराना हैगा ते की इतिहास की है जी? ये मंदिर हनुमान जी का मेरे को इस टाइम इस दरबार की 12वीं पीढ़ी है जी मैं महंती की गद्दी मिली है। तो उस रिकॉर्डिंग अगर आप चलीए तो मेरे हिसाब से 500-600 साल पुराना मंदिर है जरा कि लुधियाना तो सब तो कह लो कि हनुमान जी का प्रसिद्ध और सिद्ध मंदिर ठाकुर द्वारा नौहरिया ही है जिते कि राम जी की जी मूर्ति है वह सांवले कलर च है और हनुमान जी तो स्वयंभू है। महंत जी एक ये भी गल मनी जाती है कि इस जगह के उत्ते जे किसी को कोई जाड़ा की समस्या हैगी है जाड़ दर्द है इस जगह के उपर किल ठोकन के नाल भी वह दर्द ठीक हो जाता जी? हाँ जी हाँ जी जिहड़ी भी जाड़ के उत्ते कीड़ा लग्या हुंदा उसकी जाड़ उरे आके वह किल अपना ठकवा लवे तो वह जाड़ का कीड़ा जिहड़ा हुंदा मर जाता है तो वो जाड़ बिल्कुल ठीक हो जाती है। जिस रेशा पैंदा वह नहीं ठीक हुंदा सिर्फ जाड़ का कीड़ा ठीक हुंदा। जाड़ का कीड़ा आप कह दईए ठीक हुंदा जी किन्ने टाइम तो तुसीं ठीक कर रहे हो? भी पुराने बुजुर्गों तो चलता आ रहा जी बहुत मतलब कि टाइम हो गया 42 एज तो मेरी होगी और उस तो पहला तो मेरे दादा जी उस तो पहला तो चलता आ रहा जी पुराने बुजुर्गों की देन है। जे असीं मंदिर की गल करिए दसे 500-600 साल जिहड़ा पुराना यह मंदिर है मंदिर तुसीं जिवें दसे 12वीं पीढ़ी हो जी तुसीं? जी 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 बिल्कुल 12वीं पीढ़ी है जी। उरे हनुमान जी की जी मूर्ति है उसके उत्ते शिंगार है जिहड़ा वह भी साडा उरे संदूर नहीं चढ़ता उरे सिंगरफ चढ़ती है और ये देख लो कि पुराने बुजुर्गों तो चलती आ रही है सिंगरफ और चमेली का दिन। मेरे हिसाब से लुधियाना नहीं पूरा पंजाब नहीं पूरा इंडिया कितने भी हनुमान जी ने सिंगरफ नहीं चढ़ती होगी। सिर्फ एक ऐसी दीवार है जिते हनुमान जी ने सिंगरफ चढ़ती है। जे असी गल करिए लोगों की श्रद्धा की किन्ने क लोग आके इतने नतमस्तक होंगे ने? देखो इस दे बारे तो की कहेंगे आप ठीक है ना तुसी आप आके देखियो ट्यूजडे नू या ट्यूजडे रेगुलर जरा मेन दिन होंदा इन्हां दा उदों जो बाबा जी का जन्म उत्सव आंदा 6 अप्रैल नू जन्म उत्सव है। मैं सारे लुधियाने वासियों नू भी बाबा जी का जन्म उत्सव ते आन लई कहूँगा कि आओ उरे आके बाबा जी के दर्शन करो और अपनी मनोकामना पूरा करो। सो जिहड़े असीं मंदिर दे विच मौजूद हैं जी हनुमान जी का मंदिर है जो कि 500-600 साल जिहड़ा पुराना मंदिर दसया जाता है तो इस जगह के उत्ते खासियत की है कि जे किसी की जाड़ नूं कोई कीड़ा लग्या तो इस जगह के उपर किल ठोकन नाल जिहड़ा है वह जाड़ का कीड़ा जिहड़ा मर जाता है तो जाड़ जिहड़ी बिल्कुल ठीक हो जाती है। लगातार जिहड़ी 12वीं पीढ़ी है वह आपां कह दईए इस मंदिर की सांभ संभाल कर रही है। महंत जी मेरे नाल मौजूद सन जिन्हां ने विस्तार पूर्वक इस मंदिर के इतिहास बारे दसिया। तुसीं साडे नाल जुड़े हो द सिटी हेडलाइनस देख रहे हो मैं तुहाडा दोस्त गगन समा नाल कैमरामैन प्रिंस कुमार।